भगवान बुद्ध और उनकी बहुत छोटी छोटी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसा उदाहरण पूरे भगवान बुद्ध की सारी कहानियों में, सारी बातों में, जो आप जीवन से, पूरे जीवन में सुनेंगे, जो उनके पूरे जीवन से संबंधित है। कभी भगवान बुद्ध ने किसी को शापित यानी शापित नहीं किया, शाप नहीं दिया, साप नहीं दिया, कर्ष नहीं दिया, मतलब उनके लिए मन से बुरा नहीं कहा। यह कमाल की बात है कि भगवान बुद्ध ने कभी किसी को साप नहीं दिया, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, ना ही बुरा सोचा, ना ही बुरा मन में लेके आए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने अपने बचपन से, जो अपनी दादी से, नानी से, अपने दादा से, नाना से, या किताबों में पढ़ी हैं, या टीवी में कहानियों में जो किताब देखी हैं, उसमें हर व्यक्ति जो अपने आप को महान कहता है, जो अपने आप को एक बड़ा बताता है, जो अपने आप को कुछ खास बताता है, चमत्कारिक बताता है, वो जरा जरा सी बात पे साप देता है। मैं तुमको साप देता हूँ, मैं तुमको साप देती हूँ, मतलब शाप ना हो गया, श्राप ना हो गया, एक ऐसा हो गया जैसे मूंगफली का एक पैकेट है जेब में रखा हुआ है, किसी को टॉफी दे दी, किसी को मूंगफली दे दी कि मैं तुम्हें मूंगफली देता हूँ, मैं तुम्हें टॉफी देता हूँ। तो सोचिए कि वो लोग कितने बुरे हैं जो किसी का बुरा सोचते हैं। ये बात इसलिए आपके जहन में आनी चाहिए क्योंकि ये जो देश है, ये बुद्ध का देश है, और बुद्ध एक ऐसे संत रहे हैं, एक ऐसे महामानव रहे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी में किसी जानवर का, जीव का भी मन से भी बुरा नहीं चाहा। एक सिंगल उदाहरण नहीं है पूरे पूरे कहानी में, पूरे जगत में, पूरे उसमें। दरअसल ये जाने के संत कैसे साफ देते हैं या नहीं देते। अगर सच्चा संत होगा या सच्चा व्यक्ति होगा या सच्ची महिला होगी तो कभी किसी को बुरा कहेगी नहीं, साफ देगी नहीं, मन में नहीं लेके आएगी कि मैं तेरा बुरा चाहता हूं या मैं तेरी बुरी चाहता हूं। यानी जो बहुत अच्छे मनुष्य हैं पृथ्वी पर आज भी, वो भी किसी का बुरा नहीं करते। मगर जो कहानियों में, किस्सों में हम सुनते हैं, जिनको हम चमत्कारिक लोग बोलते हैं, जब वो साप देते हैं तो ये तय है कि वो मन से अच्छे लोग नहीं है। यानी जो साप देता है, जो कर्ष देता है, वो बुरा आदमी है, वो बुरी औरत है, वो अच्छे नहीं है। अगर वो अच्छे होते तो ये गम है, जो दुख है, जो उनको कष्ट है, उसको वो पी जाते, उसको सहन कर जाते, मगर किसी का बुरा नहीं करते। तो समझें कि जो श्राप है या साप है उसका मतलब क्या है। श्रेय जो शब्द है वो तो पाली का है नहीं, मगर पाली में जो शब्द चलता है वो चलता है आप, आपत्ति। आपका मतलब यू से नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना आप ये कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस, तो यू से नहीं है। आप जो शब्द है वो आपत्ति से बना हुआ है। दरअसल आपत्ति जो शब्द है, आपत्ति का मतलब है कि कोई ऐसा आता है जो अति है, आप अति, तो आता हुआ पूरा और अति, आप ति, यानी आ रहा है और पूरा है और अति है, अति का मतलब है एक्सट्रीम है, तो इसको बोलते हैं आपत्ति, कहते हैं आपत्ति आ गई, या विपत्ति बोलते हैं, विपे विशेष आने हुई जो आती है उसको तीव्रता, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में आता है, बहुत ज़्यादा बल्क में आता है, खासतौर से इसको दुख से लिया गया है। तो विशेष अगर है तो ये हो गया विपत्ति, और अगर रेगुलर है तो उसको बोलते हैं आपत्ति आ गई है। तो एक होता है शापित करना, कि उसने कह दिया कि उसने शापित कर दिया। अब शापित क्या है, जिसमें से लग जाता है, से आपत्ति, से का मतलब होता है कि निज, निज का आना अति पर, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं तो मैं किसी को कुछ बोल दिया, तो उसको बोलते हैं कि ये शापित कर दिया, सापत्ति हो गई। तो आपत्ति का मतलब आज के समय में जो हम बोलते हैं आपत्ति है हमें से, यानी कि इससे हमें परेशानी है, तो उसको आज के समय में परेशानी के रूप में बोला जाता है। तो ये विपत्ति है, आपत्ति है, और शापित है, सापत्ति भी है। तो कहते हैं कि शापित कर दिया, शापित कर दिया मतलब इतना अति पे गए, मन इतना दुखी हुआ कि उन्होंने उसको कह दिया मन से कि ये बहुत ज़्यादा अति हो गई, मैं इससे परेशान हूँ, तो शापित कर दिया, तो इसको शापित बोलते हैं। तो आपत्ति से हो गया, सापत्ति हो गया, ये शब्द वहाँ से बने हुए हैं। तो ये बहुत हल्का शब्द है, कि जैसे बच्चों ने बच्चे को चढ़ाया आपस में, चढ़ाने के बाद में एक बच्चा रोने लगा, एक अति हो गई उसकी इमोशंस की, और उसने चिड़के कुछ कह दिया तो वो अति उसने निकाल दी, इसका मतलब उसने शापित कर दिया, उसको अपनी तरफ से उसको अति पर बोल दिया कुछ, तो वो सापत्ति हो गई।
तो जब मन बहुत ज्यादा खराब होता है, यानी अंदर से व्यक्ति बहुत ज्यादा घृणा में होता है, क्रोध में होता है, बहुत ज्यादा किसी के प्रति क्रोध में या बहुत ज्यादा किसी के प्रति नुकसान करने की स्थिति में होता है, दौर मनुष्य होता है, दौ मनुष्य होता है, बैड होता है किसी के प्रति, तब मन से जो वो बोलता है, मन से जो उसके बारे में सोचता है, उसको कहते हैं शापित करना, शाप देना, श्राप देना। ये बुद्ध ने कभी नहीं दिया, संत जितने भी हैं वो कभी नहीं देते। ये ध्यान रखना कि अगर कोई ये कहता है कि फलाने संत ने इसको शाप दे दिया या श्राप दे दिया या शापित कर दिया, वो संत है ही नहीं। इसको हमेशा शैतान ही देते हैं, यानी जो शैतान होगा, जो मन से गंदा होगा, जो घृणित होगा, वही दूसरों को गंदगी बांटता घूमता है, वही दूसरों को श्राप देता, शाप देता घूमता है। अच्छा व्यक्ति और संत कभी नहीं देता। जैसे आपने सुना, गरीबों का हाय लग गई, गरीबों ने शाप दे दिया, बीमार आदमी का शाप है, या किसी का आपने नुकसान कर दिया तो वो कहता है कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ, यानी वो मन से आपके लिए बुरा सोचता है, बुरा होने की संभावना के लिए वो प्रेरित करता है। तो दरअसल बुद्ध के अनुसार जब हम मन से किसी को बुरा बोलते हैं तो उसका असर भी होता है, क्योंकि जब मन किसी के लिए दुखी होता है तो उसका असर हमारे सॉफ्टवेयर में यानी मन में जाता है, ऐसा बुद्ध ने खोजा है और अनुभव भी किया है। शायद इसलिए बुद्ध जानते होंगे कि किसी को कभी जिंदगी में शाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी को बुरा कहने के लिए पहले खुद बुरा बनना पड़ेगा, किसी को गाली देने के लिए पहले खुद मन में गाली लेके आनी पड़ेगी, किसी पर क्रोध करने के लिए पहले अपने शरीर में पूरा क्रोध लाना पड़ेगा। तो किसी को शाप देते हैं तो खुद भी शापित होते हैं, यानी कि हम अगर बुरे मन से किसी का लिए कुछ कहेंगे तो मन तो हमने सबसे पहले अपना बुरा किया, यानी हम बुरा मन करेंगे तभी तो बुराई निकलेगी। ये ठीक ऐसे है कि जब तक हम गन्ने की मशीन में गन्ना नहीं डालेंगे, गन्ने का जूस निकलेगा नहीं। अगर हम उस गन्ने की मशीन में जब तक बुराई नहीं डालेंगे तब तक उसका जूस निकलेगा नहीं, यानी बुराई डालनी पड़ेगी अपने अंदर तो बुराई बाहर निकलेगी। इसलिए बुद्ध इस प्रिंसिपल को जानते थे और वो जानते थे कि कभी भी किसी को साप या सापित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.